अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुहेल इब्राहिम। आज हम अपने शूट पर थे, आउटडोर शूट था हमारा, जेड प्रोडक्शन की तरफ से जेड प्रोडक्शन का शूट था और पैकअप हो चुका है हमारा और ब्रांड का नाम है स्विस फैब्रिक और हमारे आज की मॉडल हैं बिस्मा सुहेल। आइए जानते हैं, इनसे अपना रिव्यू लेते हैं कि इनको आज हमारे साथ कैसा लगा शूट करके। और आज इनका हमारे साथ ये फर्स्ट शूट था, तो बिस्मा आपको कैसा लगा? जी बहुत मज़ा आया, यहाँ की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, मतलब बोर भी नहीं होने दिया, काम के बीच तफरी भी होती रही। हमारे फोटोग्राफर फैजान अमीन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पोज बताए और क्या कहते हैं, अच्छी फोटोज़ क्लिक की। और हमारे एक प्रोजेक्ट हेड हैं यूसुफ दीवाना जी, उनके साथ भी मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी हंसाया, मतलब बोर नहीं होने दिया। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये बड़े शुवल टाइप के चुलबुले से इंसान है, बड़े क्यूट इंसान है, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। और मेरा मेकअप आपको कैसा लगा? जी मेकअप भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब ओवर नहीं था और ज़्यादा लाइट भी नहीं था, मतलब आउटडोर शूट के हिसाब से बहुत अच्छा था। जी बहुत शुक्रिया। और मज़ीद क्या कहना चाहेंगी? हमारा एक पेज भी है जी, मैं कहूँगी हमारा टाइम नाउ पाकिस्तान का पेज है, उसको सब्सक्राइब करें और उस पर लाइक करें। आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत आला। नई आने वाली लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, नई मॉडल्स जो फील्ड में अपना कदम जमाने वाली हैं? जी मतलब मैं आपकी बात समझ गई, फ्रेश फेस फ्रेश टैलेंट। मैं उनको ये कहूँगी घबराएं मत, और सबसे ज़्यादा मॉडलिंग में ज़रूरी होती है एक्सप्रेशन, जिसमें बंदे को माहिर होना चाहिए, जो मेरे में भी अभी नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा काम करता है तो उसको आ जाता है। और जब अच्छी टीम मिले ना आपको, तो आपका काम अच्छे से गुजरता है। जैसे अच्छी टीम के साथ काम किया मैंने, मेरा टाइम अच्छा गुजरा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिस्मा सुहेल के थे ये कॉमेंट्स हमारे प्रोडक्शन के बारे में, हमारे सेट के बारे में। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे दोबारा किसी नए सेट पर। हो सकता है बिस्मा सुहेल ही हमारे साथ हो, बिस्मा सुहेल इनका नाम है। चलें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।